आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के एक नेता और पार्टी के अध्यक्ष जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल में हैं। वहीं अगर संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन उन पर एक बार फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का ऑर्डर पुलिस को दे डाला है। अदालत ने पुलिस से संजय सिंह को गिरफ्तार करके 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है और उसके अलावा अदालत ने संजय सिंह पर गैर जमानती वारंट के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है। दरअसल 23 साल पुराने एक मामले में सुल्तानपुर की एक कोर्ट ने संजय सिंह और सपा के नेता अनूप फंडा समेत कई अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। संजय सिंह समेत अन्य आरोपी पेशी पर नहीं आए थे, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। एक अपील थी जो एडीजे का संख्या 13 जो विशेष कोर्ट MPMLA है उनके यहाँ से अपील हमारी निरस्त हुई थी। उसी अपील के आदेश के परिपेक्ष में 9 तारीख को हाजिर होना था संजय सिंह को, लेकिन 9 तारीख को अदालत नहीं थी, पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। वो एप्लीकेशन हमारी जो हमने मौका प्रार्थना पत्र दिया था वो 13 तारीख को पेश हुआ। 13 तारीख को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया था। याचिका की सुनवाई 22 तारीख को लगी हुई है। उसके निस्तारण तक हम अवसर चाहते थे। पुनः अदालत ने आज NBW का प्रोसेस जारी रखा है, 28 तारीख लगाया हुआ है। आगे की क्या कार्रवाई हो? अब माननीय उच्च न्यायालय में हमने याचिका प्रस्तुत की है, रिवीजन हमारा फाइल है, जो आदेश होगा वो मान्य होगा। बता दें कि संजय सिंह, अनूप सांडा और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ बीते 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। वकील ने बताया कि संजय सिंह और सांडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ दाखिल की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला 19 जून 2001 का है, जब खराब बिजली आपूर्ति के विरुद्ध में पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बाद इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 महीने कैद की सजा सुनाई थी। MPMLA कोर्ट ने बीते 9 अगस्त को 6 लोगों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा ना करने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।